अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी आप मेरे को शूट कर रहे हैं, मेरा चेहरा हीरो जैसे नहीं लग रहा? लग रहा है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुझे म्यूजिक लेने आए मुझसे, हाँ उनसे मैं कहूँ नहीं सेकंड लीड मुझे ही दीजिए। हर एक का अपना काम होता है। और जहाँ तक आप जिन बच्चों का नाम ले रहे हैं या जिन स्टारों का नाम ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाना बजाना किसी की जागीर है, मगर जो काम करो सीख के करो और सही करो। ट्यूनर से गाने से या थोड़ा सा गुनगुनाने से आप यू आर नॉट सिंगर। हमारा तो खानदान है, आज चौथी पीढ़ी है मेरी, 1935 से लेकर 2017 तक मेरा परिवार फिल्म लाइन की सेवा करते आया है। इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में दो ही परिवार ऐसा हैं साधना जी, एक राज कपूर परिवार जो चौथी पीढ़ी है और एक सैन परिवार जो चौथी पीढ़ी है। तो मेरा यही कहना, देखिए क्योंकि आप लोग जो चैनल वाले पूछते हो कंट्रोवर्सी में हमको डाल देते हो, मगर मेरा यही कहना है कि गाने के लिए मेरी किसी को मनादी नहीं है। 60 साल का भी आदमी गा सकता है, 8 साल का भी आदमी गा सकता है, जितने सुपरस्टार लोग गा रहे हैं गाना चाहिए। पहले के ज़माने में होता था, जब शुरू होती दौर था, जब हमारी फिल्में शुरू थी तो उस ज़माने में अशोक कुमार जी भी गाते थे और भी कई हीरोइनें और हीरो गाते थे। बाद में ये ट्रेंड आया कि रफ़ी साहब और किशोरदार मुकेश जी बाद में। मगर एक बात ज़रूरी है कि आप अगर ये काम करना चाहते हैं, संगीत तो एक ऐसी चीज़ है कि हर एक को सीखना चाहिए। अगर वो समझो अगर सुथार भी है उसको भी संगीत सीखना चाहिए, अगर डॉक्टर है उसको भी संगीत सीखना चाहिए, अगर वकील और जज है उसको भी संगीत सीखना चाहिए, क्योंकि संगीत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से एक ही कहना चाहूँगा कि आप लोग गाइए ज़रूर, मगर कम से कम एक ऐसे गुरु से ट्रेनिंग तो लेते रहिए कि कम से कम आप सुर और ताल में रहें, ना कि ट्यूनर में। बिल्कुल अच्छा सवाल है, हमेशा ये सवाल सामने आता है। और दिलीप भाई ने जो एक बात कही वो बहुत सही है कि ये किसी की जागीर नहीं है। संगीत तो हर एक के जीवन से जुड़ा हुआ है, कोई हर कोई गा सकता है। लेकिन बिल्कुल सही है कि संगीत बहुत मुश्किल चीज़ है, महासागर है संगीत। और अगर एकाध कोई गाना किसी स्टार ने गा लिया वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको प्रोफेशन, इसको करियर बनाना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए सीखना ही पड़ेगा। और लास्ट सवाल ये है कि रॉयल्टीज़ को लेकर काफ़ी इशू होता है जो म्यूज़िक कंपनीज होती है, क्योंकि कामयाबी जो होता है किसी गाने का गायक या गायिका हो या संगीतकार हो, उसको लेकर कहाँ तक ईमानदारी से कंपनीज देती हैं रॉयल्टीज़, या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? रॉयल्टीज़ के हकदार हम लोग भी हैं, ऐसा अभी मतलब लीगली सब लोग कह रहे हैं, तो जो गाने से जुड़े हुए लोग हैं उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। आप हमसे झगड़ा करवाना चाहते हो म्यूजिक कंपनियों से? भाई देखो आपको मैं बता दूं कि जहाँ तक रॉयल्टी की बात है, ये बात मैं बता दूं कि जब ये रॉयल्टी शुरू हुई थी तो लंदन में एक कंपनी खड़ी हुई थी जिसका नाम था PRS, परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, जिसके बाद हमारे हिंदुस्तान में आया IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी। कि जिस तरीके से एक राइटर अपना गाना लिखता है और म्यूजिक डायरेक्टर एक गाना कंपोज करता है, तो हम असली में माँ बाप तो राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर ही कहलाते हैं, फिर सिंगर उसको पालता है। अब आप कहोगे कि भाई देख रेख करने वाला प्रोड्यूसर भी है, म्यूजिक कंपनी भी है, तो हम ये नहीं कह रहे कि उनका हक नहीं है। भाई प्रोड्यूसर जब ये गाना ओले ओले हिट होता है तो म्यूजिक कंपनी छापती है, समझ गए आप, और उसके बाद में हीरो भी चलता है, वो म्यूजिक डायरेक्टर बेचारा वहीं रिक्शे में भटकता फिरता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो रॉयल्टी के लिए तो मैं ये, क्योंकि अभी ये चलन ही चल गया है, और कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया था कि भाई म्यूजिक डायरेक्टर राइटर का भी हक उठा के कंपनियों को दे दिया, प्रोड्यूसरों को दे दिया, तो चलो ठीक है, अब हम भी उसमें संतुष्ट कर लिए कि भाई आधा तुम लो तो आधा तो हमको दो। बाकी जो अगर फॉरेन कंट्री में देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा रॉयल्टी से, आप दोनों भी ध्यान में रखिए, अब्बास साहब आप भी सुनिए, थोड़ा वाइट ले ले इसको, कि फॉरेन कंट्री में माइकल जैक्सन का तो नाम पूरी दुनिया ने सुना है, पूरा कौन ऐसा आदमी जो उनको नहीं जानता है? मेरे ख्याल से मुश्किल से उनके 50 एल्बम होंगे, पर आपको पता है दुनिया में रिचेस्ट आदमी थे वो बिकॉज ऑफ रॉयल्टी। तो आप समझिए कि वहाँ कितनी ईमानदारी है फॉरेन में, कि जिसका जो हक है वो उसको मिलता है। अरे यहाँ हम इतने 1500 गाने रिकॉर्ड करके 250 फिल्में करके अभी भी हम जैसे हैं वैसे ही हैं, तो ये तो खैर रॉयल्टी का है। मगर इस मामले में मैं एक बात के लिए, हमारे जो पूजनीय राइटर साहब हैं श्री जावेद साहब ने जो कोशिश की और उन्होंने जो जद्दोजहद लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के बाद में वो कामयाब हुए, और आज हम जितने भी कलाकार हैं जो उनके अंडर में आते हैं, मतलब IPRS के अंडर में आते हैं, उनको सही माने में न्याय उन्होंने दिलाया। हाँ। तो जावेद साहब का हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने, मतलब आप लोगों को ये अंदर की बात तो पता भी नहीं है कि
तीन साल तक उनको लोगों ने काम नहीं दिया, इंडस्ट्री से आउट कर दिया था बिकॉज ऑफ के आप रॉयल्टी के लिए नहीं लड़ो। मगर उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरे एक के लड़ने से या मुझे एक तुम नहीं लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे एक बंद होने से अगर बाकियों को अगर मिलता है तो भले ही तुम मुझसे मतलब लिखाओ गाना, मगर मैं इन लोगों के लिए लड़ूंगा। तो उन्होंने लड़ा और उसके बाद में 2012 के बाद में वो रूल आ गया कि कंपलसरी म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, उसी तरीके से सिंगर का जो होता है वो सिंगर को मिलेगी और प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपनी का जो होता है वो उनको मिलेगा। थैंक्स।